तो आज का जो विषय लिया है मैंने, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यह परमेश्वर ने हमें एक आशीष दिया है, उसे बताया है कि हम, तुम को जो मैंने चुना है, तुमको जो मैंने अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है, तुम में जो मैंने अपनी आत्मा को उड़ेला है, तुम में जो सामर्थ्य दिया है, तुम्हारी जो मैंने बुद्धि खोली है, तो तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम आम इंसान नहीं हो। हेलो, हम आम इंसान नहीं है, हम उसके चुने हुए हैं। ये 2019 में हमें बहुत जरूरी है अपने आप को पहचानना, तभी हम इस 2019 में असंभव को संभव होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, मुझे परमेश्वर किस निगाह से देखता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर मुझे देखता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अब जो नमक है वो अपना नमकीनपन जब बिखेरता है तो हमें आशीष मिलती है। जब आप खाना खाते हैं और जो नमक थोड़ा सा नमक हम डालते हैं उसमें, तो हमें स्वाद पता लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खुराक को खाते हैं, हम उस आशीष को पाते हैं, हम शक्ति को पाते हैं। इसी तरीके से बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि अगर तुम्हारा नमकीनपन चला जाएगा तो तुम किस प्रकार उस नमकीनपन को हासिल करोगे? नहीं हासिल करोगे। एक बार नमक का अगर नमकीनपन चला गया तो बेकार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बेकार की जिंदगी गुजारें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम यूं ही पुराने मनुष्यत्व के साथ चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम नई सृष्टि में हैं, और नई सृष्टि में जो हमारा रूप है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा गुण है, जो हमारा चरित्र है, वो है कि हम पृथ्वी के नमक है। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो गुण है। हालेलुया। अब हम पृथ्वी के नमक कैसे हैं, ये हमें जानना है कि पृथ्वी का नमक होने के साथ साथ हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, और वो जो नमकीनपन है वो क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर इसी वचन को देखेंगे, मती 5:3 देखेंगे, तो हम जानेंगे, 3 से आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें वचन कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमारा नमकीनपन क्या है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से मती 5:3 से देखेंगे। पढ़िए बहन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारा नमक, हम पृथ्वी के नमक हैं, हमारा नमकीनपन क्या है? पहला, दीनता। आपकी आपका नमकीनपन क्या है? आपके गुण क्या है? दीनता। हम पृथ्वी के नमक हैं, तो मेरा नमकीनपन क्या है? दीनता। अगर मुझ में दीनता नहीं है तो मेरा नमकीनपन नहीं है, मैं नमक नहीं हूं। इसलिए वो कहता, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वही होंगे जो स्वर्ग में जाएंगे, वही होंगे जो स्वर्ग के आशीष पाएंगे, वही होंगे जो परमेश्वर की बुद्धि को समझेंगे, वही है जो परमेश्वर के योग के चाल चलेंगे। दीनता, दीनता का मतलब क्या है? हमें अपने आप को खाली करना है। दीनता का मतलब क्या है? हमें अपने आप को खाली करना है। हमें अपने आप को पूरी तरीके से संसार को खाली करना है, अपने अंदर जो गलत भावनाएं उनको खाली करना है, अपने जो अवगुण है उनको खाली करना है, और दीन बनना है ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर सके। यशाया 57:15 हमें बताता है, यशाया 57:15 हमें बताता है कि परमेश्वर किस दीनता की बात करता है। हालेलुया। दीनता जो परमेश्वर ने बताई यीशु मसीह के द्वारा हमें। हालेलुया। यशाया 57:15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है,
और जिसका नाम पवित्र है वो यूं कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। यहोवा कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में, जहां पवित्रता होती है। वो सर्वोपरि है, वो महान है, वो महापवित्र है। वो कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो दीन और नम्र हैं, परमेश्वर उनके दिल में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा नमकीनपन क्या है? दीनता। अगर हमारे अंदर दीनता है तो आप विश्वास करिए, परमेश्वर आप में वास करता है। हालेलुया। निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। क्योंकि जब आप दीनता के संग परमेश्वर के जीवन को, अपने जीवन को चलाएंगे, जब दीनता के साथ आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब दीनता के साथ इस संसार में रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को जो आपके अंदर है जब वो महसूस करेंगे आप, तो आप आनंद का अनुभव करेंगे, अपनी परीक्षाओं में आनंद का अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उन दीन लोगों के अंदर रहता है, उन नम्र लोगों के अंदर रहता है जो उसे प्यार करते हैं। हालेलुया। लूका 5:8 में क्या हुआ था? जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह नाव पर सवार होकर आए, पतरस ने देखा यीशु मसीह को और उसको देखते ही कहा कि हे गुरु, हे पिता, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरे पास से दूर से मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं बहुत गलत, मेरे अंदर पाप है, मैं एक पापी हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को संभाल नहीं सका, वो प्रभु के सामने अपने आप को रख नहीं सका। वो कहता कि अरे प्रभु, तू दूर हो जा, तू पवित्र है और मैं पापी हूं, मैं कैसे रह सकता हूं तेरे साथ? तेरी पवित्रता इतनी है कि पतरस डरने लगा। पतरस डरने लगा कि मैं एक पापी हूं, इसलिए उसने कहा, यीशु तू दूर हो मुझसे, तू दूर हो, क्योंकि मैं एक पापी हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तू अब तक मछलियां पकड़ता था, मैं आगे से तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, जब हम दीन बनते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो परमेश्वर हमको भरता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी आशीषों से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो दीनता हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नीति वचन 3:24 का कहता है दीनता के बारे में, क्योंकि दीनता हमारा गहना है, दीनता हमारा, हमारे लिए एक आशीष का कारण है। अगर आप दीनता के संग जिंदगी गुजारते हैं ब्रदर, आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, अगर आप अपने को खाली करते हैं और दीन बनते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। नीति वचन 3:34, ठट्टा करने वालों से वह नीचे ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वालों के साथ वो ठट्टा करता है और जो दीन होते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। दीनता परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे जीवन में लेकर आती है। दीनता हमें बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हमेशा चलता है। हालेलुया। दीनता का उदाहरण परमेश्वर क्या देता है? कि तू दीन बन, अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे, अपने आप को शून्य कर। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को शून्य कर। इसीलिए पहला पत्रस 5:5 क्या कहता है? कि अभिमानियों से वो घृणा करता है, लेकिन दीन लोगों की वो सुधि लेता है। दीन लोगों की वो सुधि लेता है, जो मन का दीन होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दीनता हमारे अंदर घमंड लेके, हमसे घमंड दूर कर देती है। दीनता हमारे अंदर घमंड नहीं रहने देती। हालेलुया। दूसरा
जो नमकीनपन हमारे अंदर होना चाहिए, चौथा, पांच का चौथा, मती पांच का चौथा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य का मतलब यहां पर क्या है? अगर सांसारिक रूप से हम धन्य का मतलब देखें तो क्या मतलब होता है? प्रसन्न होना और सुखी होना। जो आदमी प्रसन्न है और जो सुखी है उसको हम धन्य कहेंगे। हालेलुया। तो अगर इस वचन को हम देखें संसार के अनुसार तो प्रसन्न है वो व्यक्ति जो शोक करता है, सुखी है वो व्यक्ति जो शोक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य का मतलब क्या है? प्रसन्न होना, सुखी होना। क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षा और संसार की शिक्षा बहुत अलग है। अभी हम अगर संसार की भाषा में देखें कि प्रसन्न है वो व्यक्ति जो शोक करता है, आप क्यों शोक करने के बाद प्रसन्न करेंगे? किस पर शोक करेंगे? या किस शोक की बात हो रही है? जब आप पश्चाताप करते हैं और शोक करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं और शोक करते हैं, परमेश्वर मुझसे गलती हुई मुझे माफ कर, जब आप शोक करते हैं तो परमेश्वर आपको शांति देता है, जब आप शोक करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करता है, जब आप शोक करते हैं अपने गुनाहों पर अपने पश्चाताप पर तो परमेश्वर अपने हाथ आपके साथ देता है और आपको उठा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो शोक करता है। पूरा पढ़िए, धन्य है वो व्यक्ति जो शोक करते हैं क्योंकि शांति वही पाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, शांति आपके जीवन में तभी होगी अगर कोई गुनाह, अगर कोई गलती, अगर कोई पाप आपसे अभी भी हो रहा है तो प्लीज आप शोक करिए। अगर आप अभी भी परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अगर अभी भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो शोक करिए, घुटने पर आइए, उसे कहिए प्रभु मुझे योग्य बना आपने, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूं, मेरा नमकीनपन मुझसे दूर ना हो। अगर नमक का नमकीनपन मुझसे दूर हो गया तो नमक को मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। हालेलुया। तो मेरा जो भय है, मेरा जो डर है, मेरी जो चिंता है कि जो यीशु ने मुझे नमक कहा है, मुझे उपाधि दी है, मुझे नाम दिया है, यीशु का दिया हुआ नाम कि मैं नमक हूं। बोलिए, मैं नमक हूं। मैं नमक हूं। नमक ये यीशु का दिया हुआ नाम है। हो सकता है आपके धरती पर कोई नाम हो, दीपक हो, सुरेश हो, मनीष हो, लेकिन यीशु कहता है मेरा नमक तू है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नमक कौन है? तू है। मैं यीशु का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, पृथ्वी में मेरा यही नाम दिया परमेश्वर ने, इसलिए वो नमकीन पर मुझसे दूर ना हो। अगला, पांचवा, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तीसरा नमकीनपन क्या है? धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम अगर पृथ्वी पे अधिकार रखना चाहेंगे तो हमें नम्रता के साथ जीवन को जीना है। नम्रता के साथ नम्र रहना बहुत मुश्किल बात है। परमेश्वर आपसे कहे कि आप पापी हैं, पास्टर आपसे कहे आप पापी हैं तो आप सहन कर लेंगे, लेकिन घर में आपका भाई बोले कि आप पापी हैं तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। अरे मुझे कैसे बोल दिया आपने पापी? क्योंकि नम्रता नहीं है। अगर आप में नम्रता होगी तो आप स्वीकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जीवन में कहीं भी जाते हैं, यीशु की नम्रता आप में रहनी चाहिए। यीशु ने अपने जीवन को गुजारा नम्रता के साथ, दीनता के साथ गुजारा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। यूहन्ना 12:49-50, यूहन्ना 12:49-50, यीशु की दीनता और यीशु की नम्रता कुछ नहीं में है। मैं कुछ नहीं हूं,
जो कुछ परमेश्वर मेरा पिता कहता है मैं वो करता हूँ। यूहन्ना 12:49-50। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु कितना महान है यीशु, उसकी दीनता कितनी सच्ची है। उसने अपने आप को शून्य कर लिया। वो कहता है मैंने अपनी ओर से कोई बातें नहीं की, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। क्या कभी आपने किसी को कहते हुए देखा है मैं कुछ नहीं हूं? मैंने यीशु के बाद किसी को कहते हुए नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा आज तक कि मैं कुछ नहीं हूं। हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ हैं, कोई ना कोई क्वालिटी है हमारे अंदर, कोई ना कोई मैंपन है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। वो जो मैंपन है वही हमें दीनता से दूर करता है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, वो कहता है क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्गीय पिता को प्रेजेंट कर रहा है धरती पर। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बता रहा है कि मेरा पिता कौन है। जो कुछ भी हो रहा है उसके अनुसार हो रहा है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है उसके अनुसार घट रहा है। हम कुछ नहीं हैं, हमारी बुद्धि में जो बातें आती हैं उसकी ओर से आती हैं। हम कुछ नहीं हैं, यीशु कहता है मैं कुछ नहीं हूं, जो जो सुनता हूं वही बोलता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Okay. जो जो सुनता हूं वही बोलता हूं, मैं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है, क्योंकि मेरा पिता अद्भुत है, मेरा पिता प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए फिलिपियों 4:8 में पौलुस क्या कहता है, फिलिपियों 4:8 ध्यान से सुनिएगा कि पौलुस ने क्या कहा है। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमें आदेश कहां से मिलता है? परमेश्वर से। हमारी दीनता कब तक स्थिर रहती है? हमारी दीनता हमारे अंदर कब स्थिर रहती है? जब हम उन बातों की ओर देखें जो परमेश्वर की ओर से हैं, जब हम उन बातों की ओर अपना ध्यान लगाएं जो परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए वो क्या कहता है 4:8, हे निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं पर ध्यान लगा जो बातें सच्ची हैं। हेलो, यीशु ने किन बातों पर ध्यान लगाया? सत्य। वो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैंने तो पिता को करते हुए देखा, मैं वो करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे भाइयों, कि हमारा मन नहीं करता, कि आपका मन नहीं करता जो यीशु ने किया है हम भी वैसे जीवन जिए? प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जीवन, यीशु की दीनता, यीशु की नम्रता, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का ज्ञान जो बाइबल के द्वारा हमको मिलता है, हमें उसी तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप उसकी बुलाहट पर खरे उतरेंगे, अगर आप उसकी बुलाहट पर खरे उतरेंगे जिस बुलाहट पर उसने बुलाया है, आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं चैलेंज करता हूं, आप उन बातों पर खरे उतरिए
जिसलिए मुझे बुलाया है उसी बात को करिए और कोई बात मत करिए। जो जो बातें सत्य हैं, हमें सिर्फ सत्य की ओर अपने जीवन को गुजारना है। हालेलुया, हालेलुया। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आदर के योग्य कौन है? महिमा के योग्य कौन है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? आदर के योग्य कौन है? आदर महिमा के योग्य कौन है? हमें उन्हीं को देखना है। जो जो बातें आदर के योग्य है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें उचित है। उचित क्या है? यीशु के वचन पर चलना। उचित क्या है? यीशु के मार्ग पर चलना, यीशु को निहारना। उचित क्या है? यीशु के तरह रहना। उचित क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। उचित क्या है? उसकी महिमा गाना, उसकी प्रशंसा करना। उचित क्या है? हमारे लिए उचित यही है मेरी बहन, मेरे भाई, और बाकी सारी चीजें अनुचित है। लेकिन हम अनुचित चीजें ज्यादा करते हैं, हम उचित चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर, आप बीमार हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप बीमार हैं, घर में आपको बुखार आता है, दर्द होता है, होता है, मौसम ऐसा है, आप प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू कर दीजिए। बस ये सबसे बड़ी दवाई है। विश्वास के संग उसकी स्तुति करिए, गाते रहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, महान है परमेश्वर। अंगीकार करिए कि यीशु ही प्रभु है। आपका बच्चा बीमार है, उसके हाथ, उसके सिर पे हाथ रखिए, स्तुति आराधना करते रहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके घर से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बीमारियां निकल जाएंगी आपके घर से, कर्जे दूर हो जाएंगे। स्तुति करिए, आराधना करिए। जब भी आपको कोई कॉल आए, कोई आपको बताए कि आपके जीवन में मुसीबत आने वाली है, स्तुति आराधना शुरू करिए। सबसे बड़ा हथियार यही है, उसकी प्रशंसा करिए, उसको महान बोलिए। लेकिन हम नहीं बोलते, हम इमीडिएट डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे डॉक्टर के पास जाने के बाद तो स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां लिखा है कि बीमारी में हम स्तुति नहीं कर सकते? कहीं लिखा है नहीं। बीमारी कौन लेकर आता है? शैतान। हमें उस शैतान को बताना है कि तू कुछ भी कर ले, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। इसलिए जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं, इस दुनिया में, सृष्टि में, धरती पर, स्वर्ग में, कौन पवित्र है? यीशु, परमेश्वर, पवित्र आत्मा। सिर्फ वही पवित्र और कोई पवित्र नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जो बातें पवित्र हैं, हमें उन्हीं की ओर ध्यान देना है, तभी हमारा नमकपन जो है वो स्थिर रहेगा, हमारे अंदर जो नमकीनपन है वो स्थिर रहेगा। जब हमारा ध्यान सिर्फ पवित्रता के पर होगा, जब हमारा ध्यान सिर्फ यीशु पर होगा, जब हमारा ध्यान उसकी उसकी ज्ञान पर, उसके वचन पर होगा, जो जो बातें पवित्र हैं, हमें उन्हीं की ओर ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपका नमकीनपन स्थिर रहेगा, तब आपका नमकीनपन, आप में शक्ति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, मन को भावने वाली बातें कौन सी हैं? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चलना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर के वचनों को समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे संग पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मुझे कोई परमेश्वर प्रकाशन देता है, मेरा इतना मन सुखी सुख से भर जाता है। मैं उसी समय घुटने पे आकर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस वचन में ये भी है, धन्यवाद। हमारी, हमारे मन को भाने वाली कौन सी बातें हैं? कि यीशु को समझना।
हमारे मन को भाने वाली बातें वो होनी चाहिए कि हम यीशु को समझ रहे हैं, उसके क्रूस को समझ रहे हैं, उसके बलिदान को समझ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को समझकर उस पर चल रहे हैं। हमारे मन की भाव हमारे मन को भाने वाली ये बातें होनी चाहिए। हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, घर कितना बड़ा है, पैसा है कितना कि नहीं है, ये चीजें मन को भाने वाली नहीं होनी चाहिए। मन को भाने वाली ये होनी चाहिए कि मेरे संग यीशु रहे। हालेलुया। मैं कोई ऐसा काम ना करूं, मैं कोई ऐसी, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मेरा यीशु मुझसे दूर हो जाए। मेरे मन की भाने वाली बातें ये होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को भाने वाली बातें और जो जो बातें और जो 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 सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान दो। प्रशंसा के योग्य कौन है? परमेश्वर। आदर के योग्य कौन है? परमेश्वर। उसने स्वर्ग और धरती बनाया, उसने हमें अपनी समानता में बनाया। कभी आपने शीशे को देखकर उसकी तारीफ की है? धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे ये रूप दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे ऐसा बनाया, अपने स्वरूप में रचा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे भाई आप अपने को आईने में देखते तो विश्वास करिए परमेश्वर आप जैसा है, विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको आपकी समानता में, अपनी समानता में बनाया है। उसने रूप दिया है, उसने अपनी छवि दी है, उसने अपनी समानताएं, लाइकनेस, अपनी लाइकनेस दी है जो उसको अच्छा लगता है। अगर आपको ये पसंद, अगर आपको फूल पसंद है तो विश्वास करिए परमेश्वर को भी फूल पसंद है। अगर फूलों में ये खुशबू है और आपको ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो विश्वास करिए परमेश्वर को भी वही खुशबू अच्छी लगती है। उसने अपने लाइकनेस में आपको बनाया है, समानता में बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जो स्वाद है, उसके जो गुण है वो आप में डाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये नया साल हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आएगा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि उसके नमक बनकर रहिए हम, जैसे उसने कहा है मत्ती 5:13 में कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम उसके नमक बनकर अपने जीवन को गुजारे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता फिलिपियों 4:12-13 निकालिए। जब आपके अंदर दीनता होगी, जब आपके अंदर नम्रता होगी, जब आप शोक करेंगे, जब आप मेल मिलाप करेंगे, जब आप धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होंगे, तब क्या होगा? 4:12 yes, Lord. फिलिपियों 4:12 क्या कहता है? मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। आमीन। हालेलुया। पौलुस उस मकाम पर पहुंच गया है जो कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं। वाह, काश परमेश्वर हमें भी उस मकाम तक पहुंचाए। पौलुस ने अपनी सेविकाई कब शुरू की थी, कोई बताएगा? पौलुस ने अपनी सेविकाई जब वो 30 साल का था तब शुरू की थी, यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार। और वो कब तक सेविकाई करता रहा, कब तक जिया? 67 ईयर्स तक। यानी कि 37 साल तक पौलुस सेविकाई करता रहा। 37 साल तक परमेश्वर की सेवा करता रहा। इसीलिए वो कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को अपने शरीर पर कितना घमंड है कि वो जब चाहे वो दीनता के अनुसार अपने जीवन को गुजारे। हम अपने शरीर के गुलाम है। हमारा शरीर जरा सा कुछ मांगता है हम बेचैन हो जाते हैं उसको देने के लिए, बेचैन हो जाते हैं। दीनता परमेश्वर की आप तभी पा सकते हैं जब शरीर पर आप अधिकार रखें। अपने शरीर पर जब आप अधिकार रखें तभी आप उसकी दीनता को हासिल कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी के घर मटन चिकन बन रहा है, आपका शरीर मांग रहा है। अरे यार ये सुगंध आ रही है यार। अब जब तक मटन चिकन नहीं मिलेगा आपको, आपका फोन बज रहा है, दोस्त बुला रहा है, अरे बस दोस्त दोस्त के पास पहुंच जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा एम क्या है दोस्त? अरे भाई आप यीशु मसीह को जानते नहीं, वो तो जानता हूं, लेकिन दोस्त का फोन आ रहा है। आप गुलाम हो चुके हैं शरीर के। सुबह उठते ही आपको प्रभु याद नहीं आता है, फोन, किसका मैसेज आया रात को। अरे हम लोग हंसते हैं लेकिन बहुत गंभीर बात है। आज हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उठकर प्रभु याद आना चाहिए, उठ के प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए, उठ के धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मुझे तूने अच्छी नींद दी, धन्यवाद। और अपने बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे में जाना चाहिए प्रार्थना के लिए। मैंने कई भाई बहनों को देखा, उठते ही बस कम्बल ओढ़ा और वहीं प्रार्थना शुरू कर दी, सो भी रहे हैं प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं, हमें अपने आराम के कक्ष से बाहर जाना है। क्या कम्बल ओढ़े आप जा सकते हैं ऑफिस? जा सकते हैं, निकाल देगा बॉस, लेकिन प्रभु पे चलता है सब कुछ, प्रभु में सब चलता है। कंबल पर प्रभु को पता है ना इतना सर्दी हो रही है। हम लोग क्या कैसे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा? कंबल को छोड़िए, 4 बजे उठना सीखिए, 4 बजे इस सर्दी में भी 4 बजे उठिए। आप देखिए परमेश्वर के चरणों में हाथ अपने घुटनों को लाइए, किस तरीके से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप कंफर्ट चाहते हैं, हर चीज में आपको कंफर्ट हो, और हमारी अच्छी नींद भी हो जाए, हमें अच्छा सब कुछ भी मिल भी जाए, और जब हमारे पास समय हो तभी हम प्रभु को याद भी करें। नहीं मेरे भाई, कैसे काम होगा? उसको बताइए कि आप उसके प्रिय हैं। नींद को त्यागी, उसको बोलो कि परमेश्वर मैं आपके लिए सुबह 4 बजे उठूंगा, त्याग करूंगा मैं अपनी नींद का, नहीं चाहिए मुझे नींद, मुझे आप चाहिए। बताओ उसे, वो जानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, वो जानना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा घंटे बजने से पहले, अजान होने से पहले मैं अपने बच्चे की आवाज सुनूं, लेकिन हम सोए रहते हैं। आपकी दीनता, नमकीनपन आपका आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। इसलिए वो कहता है कि मैं दीन होना जानता हूं, गर्व है उसे। इसलिए 1 कुरिन्थियों 9:27 क्या कहता है? मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं कि कहीं मैं ही प्रचार करते करते प्रभाव में ना आ जाऊं। शरीर को ना कहना सीखिए मेरे भाई। जिस दिन आप शरीर को ना कहना सीखेंगे उस दिन आप देखिए आप अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करेंगे। 4:12 ना, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। गर्व से वही कह सकता है जो चला हो, ऐसे उसने 14 किताबें नहीं लिख दी। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है मैंने। कैसे सीखा है? क्योंकि उसने उत्तम चीज को देखा, पवित्र चीज की ओर ध्यान लगाया, मन भावन उसकी कौन सी चीज से? यीशु के वचन। वो उसकी धार्मिकता के लिए भूखा रहा, वो शोक करता रहा, वो दीन बना, नम्र बना। इसलिए वो कहता कि मैं घटना बढ़ना जानता हूं, मैं भूखा रहना भी जानता हूं, तृप्त होना भी जानता हूं।
प्रेज द लॉर्ड. क्यों? उसे अगला 13वां, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. Praise the Lord. Amen, amen. क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं. Praise the Lord. और यीशु मसीह आपको सामर्थ परमेश्वर दे चुका है. आप उस सामर्थ को लीजिए यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे दिया है. अब हमें शरीर को नहीं देखना है कि मेरा शरीर है, कमजोर है. आप जितना महसूस करोगे, जितना महसूस करोगे आप ठंड को, मेरी मम्मी बोला करती थी, जितना तुम ठंड को महसूस करोगे ठंड उतनी लगेगी आपको. यहां पहली बार ठंड हुई बॉम्बे में, जितना महसूस करोगे उतनी ठंड लगेगी आपको. महसूस करो, महसूस मत करो, अपने आप को महसूस करो कि नहीं नहीं, महसूस करिए कि आपके अंदर जो सामर्थ है. आपको डर, आपको महसूस, आप शरीर, आपका शरीर नहीं, मुझे थक गया हूं, मैं थक गई हूं, मेरे यहां दर्द हो रहा है, मेरा वहां दर्द हो रहा है. दर्द होगा, दर्द होगा, बीमारी आएगी, क्योंकि आप उसे बुला रहे हैं. आप ये कह नहीं रहे कि मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर यीशु है, मुझे चंगाई मिल चुकी है, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. आप ये कह नहीं रहे. अरे यार, ये कमर का दर्द बहुत हो गया, इधर दर्द बहुत हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं अभी अभी मैं चल नहीं सकता, अभी मैं रुक नहीं. अरे आप दर्द को इन्वाइट कर रहे हैं. दर्द हो तब भी बोलिए यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, 39 शायद मैंने आपको पहले बताया होगा. और पूरी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी, अगर आपको काउंट करेंगे तो उसकी काउंटिंग है 39. जितनी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी बीमारियां मिला लीजिए, उसकी काउंटिंग है 39. और यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे. हर बीमारी के लिए कोड़ा वो खा चुका है. आपको चंगाई दे चुका है, आपको लेना है. इसलिए आप अगर बीमार हैं, अगर आपको लगता है दर्द है, स्तुति आराधना शुरू करिए, प्रभु की चलते हुए स्तुति करिए. दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, परमेश्वर का नाम लीजिए, यीशु का मान, यीशु मसीह का नाम लीजिए, क्लेम करिए, अंगीकार करिए कि मैं उसका बच्चा हूं, मैं यीशु मसीह के सामर्थ है मेरे अंदर. बाइबल क्या कहती है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. हालेलुया, सब कुछ. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ब्रदर, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए वो कहता है रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश न बनो. इसलिए वो कहता है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले. आपके मन को, एक मिनट, आपके मन को नया किसने किया? प्रेज द लॉर्ड. जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने आपके मन को नया कर दिया. तो जब आपका मन नया हो गया है तो आपको अपना चाल चलन भी नया करना है. यह आपकी जिम्मेदारी है. हम लोग सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं कि यीशु आएगा भी उंगली पकड़ के हमको लेके जाएगा. अच्छा चाल चलन आपके अधिकार में है. ये तो संसार है. यीशु मसीह ने आपके मन को नया करके बता दिया कि ये शैतान भी यहां पर है और शैतान की शक्तियां यहां पर चलती हैं. उसने बता दिया. लेकिन अगर आप उसमें नहीं चलेंगे तो कैसे आशीष पाएंगे आप? वचन क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, और अपने मन के नए हो जाने के मुताबिक वैसी चाल चलो. तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो.
आपके ऊपर है। अगर आप भली चाल चलेंगे, अगर आपके मन में कटुता नहीं होगी, अगर आपके मन में स्वार्थ नहीं होगा, अगर आपके मन में लालसा और घमंड नहीं होगा, आप आसानी से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर की आपके जीवन में इच्छा क्या है आप जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, हम समझते हैं हमारा जीवन खत्म। उसने वादा किया है कि हमें अनंत काल का जीवन दिया है उसने। ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जान सकते हो। इसलिए उसने कहा है तुम दीन बनो क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव आपका क्या होगा? उसने क्या लिखा है कि सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने जीवन की आपकी जो चाल है, आपके जो रोजमर्रा की जीवन जो आप चलाते हैं, उसको आपको बदलना पड़ेगा परमेश्वर के अनुरूप। इस 2019 में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देना चाहता है, लेकिन उस दीनता को, उस आशीष को आपको अपने साथ लेने के लिए उस अनुभव के रोज का अनुभव, हमें रोज अनुभव होता है परमेश्वर का। हम चाहे चर्च में हो चाहे घर में हो, परमेश्वर अनुभव देता है मुझे, और वो अनुभव कब मिलेगा? जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। फोन बंद करिए, फोन बंद करिए, किसका फोन है? हालेलुया। अनुभव से जानो, रोज का अनुभव। अभी हम, आप एक चीज को जान लीजिए कि मैं अब संसार का नहीं हूं। बोलिए मैं अब संसार का नहीं हूं, अब मैं एक नई सृष्टि हूं। मुझ में यीशु है, मुझ में उसकी आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंगीकार करिए रोज आप कि आप हैं कौन। धन्य है वो जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का होगा। अगर आप स्वर्ग के अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग के अधिकारी आप हैं, तो पहला पाठ ये है, पहला नमकीनपन ये है कि आप में दीनता होनी चाहिए। आपकी दीनता आपको आशीष देगी। देखिए, जब आप उपवास रखते हैं तब भी परमेश्वर कहता है आप दीन बनो। यशाया 58 का 5-6 निकालिए। यशाया 58 हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? कोई बात, आपका उपवास आपके अंदर दीनता पैदा करे। आप फ्राइडे फास्टिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर दीनता नहीं है, उपवास का कोई मतलब नहीं है। नम्रता नहीं है, उपवास का कोई मतलब नहीं है। दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, उपवास का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, उपवास कितने भी रख लीजिए आप, 40 दिन का नहीं, आप 100 दिन का रख लो, अगर आपके अंदर दीनता नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है स्वयं को दीन करो, नम्र करो, खाली करो अपने आप को। हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर पर हम उस पर वो करते हैं, एहसान करते हैं। 10 लोगों को बताते हैं आज फ्राइडे है, मेरा उपवास है, मैंने 40 दिन का उपवास रखा है। गलत है। हम किसके लिए उपवास कर रहे हैं? ताकि हम दीन बने। अगर उपवास के साथ मेरे अंदर घमंड की बात आती है तो दीनता कहां रह गई?
प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ये जब उपवास करते हैं तो आपका और परमेश्वर का संबंध है। मेरे लिए नहीं कर रहे आप उपवास, किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, वो नहीं कहता कि आप मत खाओ। हम ना खाने से हम ये शो करते हैं कि हमने उपवास किया परमेश्वर के लिए। अगर हमारी दीनता हमारे साथ नहीं है, उस दिन नम्रता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। उपवास रखा है और आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उपवास रखा है और आप में स्वार्थ है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी दीनता ही है। परमेश्वर, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर पर? हालेलुया। पढ़ो। नहीं, परमेश्वर आपको दीन बनाना चाहता है, क्योंकि धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको स्वर्ग में लेके जाना चाहता है परमेश्वर। यीशु मसीह इस समय आपके लिए कमरे बना रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी दीनता आपको आशीष देती है, आपकी दीनता आपको प्रभु के करीब लेके जाती है, आपकी दीनता आपको परमेश्वर की समझ देती है, वो ज्ञान देती है, वो शक्ति देती है। प्रेज द लॉर्ड। दीनता एक शक्तिशाली गुण है। अगर आप दीनता से जिंदगी गुजारेंगे और आप दीनता में होकर आप उपवास रखेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, दीनता है। दीनता में क्या है? उपवास जब रखते हैं, सबसे पहले अपने आप को जानिए, मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए। क्या उपवास? अपने आप को खाली कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई घमंड है, मेरे अंदर कोई गंदी बात है, मेरे अंदर कोई गलत सोच है, मेरे अंदर कोई विचार है, मेरे अंदर कोई अभी तक मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है। अपने आप को खाली करिए। हेलो, अपने आप को खाली करिए। यूहन्ना 13:2-5 और 6-7-8, यीशु ने अपने आप को खाली किया था, उसमें कोई घमंड नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खाली किया। यूहन्ना 13:2-6 तक। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु, शैतान ने यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें से एक चेला था यहूदिया, यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह ने जान लिया था कि शैतान ने उसके मन में डाल दिया है कि वो मुझे पकड़वाए, और उस समय भोजन कर रहे थे। आगे, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, ध्यान से सुनिए, और एक मिनट, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, स्वर्ग और धरती का अधिकार मेरे पास है। यीशु ने उस समय जान लिया था कि पिता ने सब कुछ मेरे लिए कर दिया है, सारा कुछ मुझे दे दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जान गए थे कि सारा अधिकार उस परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं स्वर्ग से आया था, अपनी ड्यूटी मैंने पहले पूरी की, अब मैं स्वर्ग वापस जाता हूं। आगे, भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए परमेश्वर की दीनता, वो स्वर्ग का अधिकारी, हम क्या है उसके सामने? हम कहते हैं हम अगवे हैं, हम कहते हैं हम पास्टर हैं। वो यीशु स्वर्ग का अधिकारी, जिसको स्वर्ग और धरती और हर चीजों पर उसको प्रभुता परमेश्वर ने दे दी थी, वो भोजन करते हुए उठा। प्रेज द लॉर्ड। भोजन पर से भोजन नहीं किया उसने, अपना पेट नहीं भरा, अपनी दीनता आप में डालने के लिए उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसने भोजन नहीं किया। आप अपनी दीनता किसी में तभी डाल सकते हैं जब आप उस खालीपन को महसूस करें।
भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध दी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पूछने लगा। आमीन। हेलो, वो कौन था? वो गुरु था, वो पास्टरों का पास्टर था। आमीन। भोजन पर से उठा और बर्तन में खुद पानी भरा। उसके पास 12 चेले थे। उसने कहा शमान पानी भरो, तौलिया लाओ, कुर्सी रखो, मेरे लिए कुर्सी रखो। नहीं, आप दीनता को समझ रहे हैं? परमेश्वर की दीनता, वो सर्वोपरि महापवित्र परमेश्वर की दीनता किसके लिए? ताकि वो दीनता हमारे अंदर आए। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पूछने लगा। जिस अंगोछे से आप अपना मुंह पोंछते हैं किसी का पैर पोंछ सकते हैं? यह उसकी दीनता। जिस अंगोछे से वो अपना मुंह पोंछता था, अपना बदन पोंछता था, उससे वो अपने चेलों के पैर पोंछ रहा है। वो बता रहा है कि मैं कितना प्रेम करता हूं। वो बता रहा है कि वो नमकीनपन जो मुझ में है वो तुम में होना चाहिए। तुम उसकी कीमत को समझो, यही है शक्ति। आगे, तब वह शमौन पत्रस के पास आया। तब पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शमौन ने पूछा कि क्या तू मेरा पैर धोता है? तू गुरु है, तू प्रभु है, तू मेरे पैर धोएगा? मैं निम्न आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, तेरा शिष्य हूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मैं काम करता हूं तू अभी नहीं समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, हमें समझना है उस काम को जो यीशु मसीह ने किया है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी बुद्धि खोल ताकि हम यीशु के कामों को समझ सकें, यीशु की आज्ञाओं को जान सकें। यीशु के जाने के बाद पत्रस ने समझा, क्योंकि उस समय उसको पवित्र आत्मा नहीं मिली थी। हमें पवित्र आत्मा मिली है। हमें उस काम को समझना है, हमें यीशु की दीनता को अपनाना है। मेरे भाई, 2019 साल अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में अद्भुत बहुतायत का आशीष लेकर आए, आपको यीशु बनना पड़ेगा। आपको यीशु बनना पड़ेगा। क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आगे, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। यीशु ने कहा, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरा तेरा कोई साझा नहीं है। मेरे और तेरे बीच साझा क्या है? मेरे और तेरे बीच एक चीज क्या है? प्रेम। अगर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकता तो तू उसके लिए कैसे प्रेम करेगा? मेरा प्रेम अगर तू स्वीकार नहीं कर सकता तो दूसरों को तू कैसे प्रेम करेगा? अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा या तू मुझसे पांव नहीं धुलवाएगा तो मेरा तेरा कोई साझा नहीं। कभी देखा ऐसा प्रभु आपने, जो अपने चेलों के पैर धोता है? हेलो, ऐसी दीनता, हमें ऐसी दीनता के साथ जीना है। तभी हम इस अंतिम समय में स्थिरता के साथ रह पाएंगे, रह पाएंगे। अगर आपके अंदर दीनता है तो आपके अंदर बोझ पैदा होगा, किसी की सेवा करने का बोझ होगा,
किसी की सहायता करने का बोझ होगा। Praise the Lord। सबसे बड़ा उपवास यही है कि हम एक दूसरे की सेवा करें और परमेश्वर के वचनों पे चलें। तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। आगे सिमोन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। Praise the Lord। जैसे शमौन की बुद्धि खोली, उसने क्या कहा, तब तो परमेश्वर मुझे तो पूरी तरीके से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हालेलुया। मेरे भाई, ये दीनता का उदाहरण जो बाइबल हमें देती है कि परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, जो सर्वोपरि है, जो सर्वशक्तिमान है, वो धरती पर आकर हमारा सेवक बना। सेवा करवाने नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था वो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है वो प्रेम, उस प्रेम को पहचानो। पहला यूहन्ना 4:8-16। इसलिए वो कहता है कि अगर मेरे और तेरे बीच में तू मुझसे अगर पैर नहीं धुलवाएगा तो मेरे और तेरे बीच कोई साझा नहीं है। देखिए यूहन्ना 4:8 क्या कहता है। पहला यूहन्ना में 4:8 क्या कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बोलिए, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उस प्रेम को हम जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं। अद्भुत प्रेम यीशु के द्वारा जो उसने हमको दिया, हमारा जीवन बदला, हमें आशीष दिया, सुख दिया, वो बुद्धि दी, ऐसा प्रेम उसने हमें दिया है, हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। और मेरे भाई, अगर आपको प्रतीति है और अगर आप जान गए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि यीशु की दीनता को अपनाइए। दीनता में ही वो शक्ति है, वो नमकीनपन दीनता में है, जो आपके नमक बने रहने में कायम रहता है, काम करता है। इसलिए फिलिपियों 2:5-8 के बीच में पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। आगे, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। 7 वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 1 यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य किया, ऐसा खाली किया अपने आप को। खाली किया उसने, क्या उसमें कोई पाप था? नहीं। हम खाली किससे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर अवगुण है। उसने किस बात से खाली किया अपने आप को? अपनी अच्छी बातों से खाली किया। इसलिए उसने अपनी अच्छी बातों को भी अपने ऊपर नहीं लिया। उसने किसी को चंगा किया तो उसने कहा, ए बच्चे, आवाज नहीं। उसने किसी को चंगा किया तो क्या कहा? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने कभी भी अपना नहीं लिया। जो बातें परमेश्वर पिता मुझसे बोलता है मैं वही करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। उसने अपनी भली बातों में भी परमेश्वर को मान दिया, खुद को खाली किया, ऐसा शून्य कर दिया। हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को गुमान पर लाते हैं, घमंड आता है हमारे अंदर। छोटी छोटी बातें हमें खाली करना है उसके, अपने आप को। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रभु के लिए। हम कलीसिया क्यों आ रहे हैं? यीशु के लिए।
ना आप मेरे लिए आ रहे हैं ना आप उनके लिए आ रहे हैं। हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। मनुष्य की समानता में एक हो गया। देखिए फिलिपियों 3:7-8 पढ़िए, पौलुस क्या कहता है दीनता के बारे में। फिलिपियों 3:7-8, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, जो मेरे लाभ की थी, लाभ की क्या थी? यीशु की सेवा करना, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझाता हूँ। परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता था। जो उत्तम बातें थी मैं उसको हानि समझता था। उसने अपने आप को खाली किया पौलुस ने। पहले क्या था मैं? जो उत्तम चीजें थी उन्हीं को मैं गलत समझता था, हानि समझता था, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। लेकिन आज वही बातें जो मेरे लिए श्रेष्ठ थी उन्हें मैंने कूड़ा समझा। उनको मैंने, पौलुस बहुत अमीर इंसान था, उसके पास बहुत पैसा था, एक मान और सम्मान था पौलुस के पास, लोग उसकी इज्जत करते थे, खड़े हो जाते थे। वो व्यवस्था का टीचर था, जानने वाला था, अच्छा पैसे वाला था वो। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह को अपनाया, क्या हो गया? लोग उससे घृणा करने लगे, सताव देने लगे, मारने लगे। वो छुपके रहता था। सारी बातें जो श्रेष्ठ थीं, जो उसको मान सम्मान पैसा जो उसके पास था, आदर था, अच्छा पहनावा था, घर था, वो सारी बातों को उसने कूड़ा करकट समझा। उन सारी बातों को उसने कूड़ा समझा। किस लिए? कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। आमेन। क्या लिखता है? जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। अगर ये दौलत मेरे सामने आड़ा आ रही है, नहीं चाहिए दौलत। ये गाड़ी अगर मेरे मुझ में घमंड पैदा कर रही है, नहीं गाड़ी चाहिए। सारी बातों को कूड़ा करकट समझकर, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, तब क्या कि मैं यीशु को जान सकूं। हालेलुया। ये था पौलुस, जिसने अपने आप को खाली किया, जिसने अपने आप को दीन किया, ताकि मैं यीशु को जान सकूं, पवित्र परमेश्वर को जान सकूं, उसको प्राप्त कर सकूं। जानना नहीं है, क्या लिखा हुआ है? प्राप्त कर सकूं, पा सकूं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको यीशु को पाना है तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा, उसके योग्य बनना पड़ेगा। और ये 2019, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा चर्च इस 2019 में बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और अगर आप उसी तरीके से जीवन गुजारेंगे जैसा परमेश्वर, जैसा वचन कहता है, कोई कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगी। आप डिफरेंस कर लीजिएगा, 31 दिसंबर 2019 को आप मेरी बात को याद रखिएगा। अगर आप दीनता के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे और ये वचन आपके साथ रहेंगे, आप विश्वास करिए, हो सकता है किसी के जीवन में देर हो, सवेर हो, पहले हो या बाद में हो, लेकिन आप ऊंचाई पर उठेंगे, ऊंचे पर उठेंगे, लेकिन दीन बनकर। दीनता के संग हमें ऊंचा रहना है। हमारे ऊंचाई पर दीनता हमसे ना जाए, स्वार्थ हमसे ना जाए। हालेलुया। हमारे अंदर से स्वार्थ जाए, दीनता बनी रहे हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत्ती 11:11 में लिखा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो कि पृथ्वी का नमक था और जगत की ज्योति था, तभी उसने परमेश्वर के लिए अपना मार्ग तैयार किया। अगर आप देखें, बाइबल पढ़ें, तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला जिसने पृथ्वी के नमक होने की पूरी तरीके से नमक बनकर वो अपने जीवन को जिया है, ज्योति बनकर वो अपने जीवन को जिया है,
उसे संसार को त्याग दिया। जकरिया और एलिशीबा का वह बेटा था, बुढ़ापे में बेटा हुआ, लेकिन उसने त्याग दिया। जकरिया जो कि बुढ़ापे में बाप बना था, वो क्या बोलता है देखिए, लूका 1:76-80 तक वो क्या भविष्यवाणी करता है। जब उसके बेटा यहोन्ना हुआ, हमारे अंदर बच्चा पैदा होता है तो हम भविष्यवाणी करते हैं कि वो क्या क्या बनेगा, हमारी सोच होती है। जकरिया जिसका बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा, पहले का 76 और 80, ये हमारे परमेश्वर की 76 और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, जकरिया भविष्यवाणी करता है किसके लिए, अपने बेटे के लिए, और तू बालक कि तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चुना और नियुक्त किया है किसके लिए, ताकि हम प्रभु के मार्ग को तैयार करें। जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमें दिया है उस मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को दुनिया के सामने लेकर जाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। कौन कौन देगा ज्ञान? यूहन्ना बपतिस्मा वाला, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा। देखिए अगर आप मलाकी पढ़ेंगे, मलाकी के बाद 400 साल तक प्रभु ने कोई बात नहीं की। 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की। बैतलहम के निवासी अंधेरे में बैठे हुए थे, अंधकार में थे, मायूस थे, उनके पास कोई रोशनी नहीं थी, बुझे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कोई मसीहा आएगा, कैसे आएगा उनको नहीं पता था। तब एक ज्योति चमकी और यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। हालेलुया। इसीलिए यीशु जब अपने चेलों से मिला और चेलों को बोला मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत उसके पीछे हो लिए, क्योंकि 400 साल तक वो अंधकार में थे, कोई नहीं था जो उनका हाथ पकड़े। ये पहला था जिसने कहा मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। 400 साल की बेचैनी, 400 साल का दुख, 400 साल का अंधकार, ईशु यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसको दूर किया और ईशु ने आकर अपनी ज्योति प्रकट की। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने एक नमक के रूप में, एक नमक बनकर और एक ज्योति बनकर अपनी भूमिका को निभाया। हालेलुया। और उसके बाप ने, जकरिया ने ये करने से पहले भविष्यवाणी दी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है मेरे भाई मेरी बहन, और आप विश्वास करिए 2019 के लिए आपको चुना है, ताकि आपके आसपास के जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं उनको आपको लेकर आना है। ये 2019 में अगर आपके परिवार में कोई अंधकार में है तो उसको बताइए, आपकी बेटी, आपका आपका पति, आपका बेटा, आपकी बहन, उसको बताइए कि आप ज्योति में आइए। इस 2019 में आपको अंधकार से निकालकर उन्हें ज्योति में लाना है, और ज्योति में जब आप लाएंगे आप बहुतायत का आशीष पाएंगे। मैं विश्वास के संग आपको कह रहा हूं, 2019 में परमेश्वर की यही इच्छा है और यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार और सतर्क रखना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और उसका नमक बनकर, उसकी ज्योति बनकर हमें परमेश्वर के चरणों में रहता है। ज्योति, जब आप ज्योति बनते हैं तो आप अपना प्रकाश को फैलाते हैं। यीशु कहता है कि ज्योति जो दीवट होता है वो नीचे रखने के लिए नहीं होता है, उसको ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि वो सबको रोशनी दे। हमें परमेश्वर का उद्धार मिला है, हमें परमेश्वर का आशीष मिला है, हम परमेश्वर के ज्योति हैं, घर में बैठने के लिए नहीं है। हमें उस अंधकार, देखिए जब प्रभु आपको अपनी ज्योति कहता है तो आप ये जान लीजिए कि आपको बुद्धि देता है ताकि आप अंधकार को जाने। ज्योति को कहां आप जलाएंगे जहां अंधकार होगा?
दीवट को कहां रखेंगे? उजाले में रखेंगे क्या? नहीं, दीवट को वहां लेके जाएंगे जहां पर अधिक अंधकार होगा। इसलिए जब परमेश्वर आपको ज्योति कहता है तो आपको समझ देता है कि अंधकार कहां है, कौन अंधेरे में है, अंधेरा क्या है। और जब आप उस समझ के साथ उस अंधकार को जान लेते हैं तो आपका यह भूमिका है, यह आपका कार्य है कि आप अपनी ज्योति को उस अंधकार में लेकर जाएं ताकि वहां पर उजाला हो। शर्माइए मत, जाइए ताकि परमेश्वर के आशीष को पा सकें आप। हालेलुया, आज का वचन हमने ग्रहण किया। आशीष भाई बोलिए, यीशु मसीह की।